विश्व नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में आरएसडी एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज में नए छात्र व छात्राओं का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया तथा विश्व की प्रथम नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन भी मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि आरएसडी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर गौरव कुमार व आरएसडी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा व कार्यक्रम का आयोजन लवप्रीत कौर, कार्यक्रम संयोजन प्राचार्य श्री अनुप रॉय के द्वारा किया गया। डॉक्टर विनोद कुमार ने नर्सिंग कॉलेज में आए नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को विश्व नर्सिंग दिवस की बधाई दी तथा सभी को मन वचन और कर्म से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस विशेष अवसर पर नए छात्र छात्राओं के समक्ष लैंप लाइटिंग सेरेमनी रखी गई, जिसमें सभी प्रशिक्षुकों ने मोमबत्ती जलाकर ये शपथ ग्रहण की कि सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए हम शपथ लेते हैं कि हम अपने दायित्वों और कर्तव्य का पालन निष्ठा पूर्वक करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर पंकज शर्मा, लवप्रीत कौर, शेफाली, दीपाली, नेहा, निधि चौधरी, जैकब, सुप्रियो मेत्री, अमित सक्सेना, अंजू सुखीजा, अभिषेक शर्मा, संजय मेहरोत्रा, सुखरानी आदि उपस्थित रहे। एक्चुअली आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे के उपलक्ष्य में जो 12 मई को हर साल पूरे विश्व में मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में हमारे कॉलेज आरएसडी की तरफ से आज बच्चों के लिए लैम्प लाइटिंग सेरेमनी और ओट टेकिंग सेरेमनी का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें बच्चों के द्वारा कई तरीके के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जैसे कि कोरोना के टाइम पे जब नर्सेज की ज़रूरत लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी, लेकिन उसमें कोई भी अपने साथियों को साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उस समय हमेशा नर्सेज ने साथ दिया। उसके बारे में बच्चों ने बताया कि कोरोना के टाइम पे नर्सेज की कितनी ज़रूरत थी और आने वाले टाइम पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में इतनी वैकेंसी नहीं है जितनी नर्सिंग में वैकेंसी है, उसके बारे में बच्चों ने बताया। और बच्चों ने कई डांसेस किए जिसमें कि उन्होंने हाथ की सफाई के बारे में बताया, कौन कौन से स्टेप्स हम यूज़ करते हैं अपने हाथों की सफाई करने में। पूरे देश में जो नर्सिंग का महत्व या नर्स का महत्व ऐसा है कि आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं वो कुछ ही समय के लिए या कुछ ही पल के लिए हॉस्पिटल में आते हैं और राउंड लेकर चले जाते हैं, लेकिन जो नर्स होती है वो 12 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करती है और जो पेशेंट होता है वो नर्स के पास ही रहता है और पूरी केयर उसकी नर्स करती है। डॉक्टर कुछ ही समय के लिए आते हैं, बस अपने डायग्नोसिस लिखकर और मेडिसिन जो देनी होती है बताकर चले जाते हैं, लेकिन पूरा समय जो नर्स उनके साथ व्यतीत करती है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।